गाय हैं। दोस्तों दिल्ली में चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हर चीज जो है एक रिकॉर्ड बनाती है। अभी जो है आधा घंटा तकरीबन ट्यूबवेल पे नहाने के बावजूद ऐसा गर्म लग रहा है, कितनी गर्मी लग रही है। अभी बाइक पे हम चल रहे हैं कि पूछो मत, और दिन में आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितनी धूप पड़ती है। और अभी ऐसे ही जो है घूमने के लिए आए थे खेतों की तरफ नहा धो के, तो अभी मेरे मन में ख्याल आया कि आपको कैटल फार्मिंग, जो कंक्रीट गाय बोलते हैं शायद उनको, पशुपालन, तो ये आपके लिए शायद एक इंटरेस्टिंग जो है बात होगी, आपको कुछ नया जो है जानने को मिलेगा। तो अभी जो है वो शायद गायें वहीं पे होंगी, तो हम मिलते हैं उनसे जल्दी और उनके बारे में जानते हैं। तो जामुन लगी हुई थी वहाँ पर, रॉक चलो देखते हैं दोस्तों, होंगी तो एक दो खा लेते हैं जामुन, चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दिखाई दे रही है नहर, आज इसमें इतना गंदा पानी चलता है कि पूछो मत। लेकिन एक वक्त था जब मैं इसमें बचपन में नहाया हुआ हूँ, इतना जो है साफ पानी जो है चलता था इसमें। सब कुछ बदल गया। ये देखिए जामुन का जो है पेड़ है, जामुन तो हो रही है काली काली, दो पहले ही एडवांस हमारे जैसे भाई, ये देखो ऊपर ही देख रहे हैं। चलिए देखते हैं शायद एक आधी मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, अभी जो है पूरी तरह जो है तैयार नहीं हुई है ये, क्योंकि ये जो है तैयार होती है ज्यादातर गर्मी या बरसात में। बरसात में जो है इनका बहुत जो है स्पीड बढ़ जाती है पकने के लिए। अभी जो है तैयारी अच्छी तरह हुई नहीं है, बरसात लगेगा ना। और दिल्ली में तो अभी तो गर्मी पड़ रही है जबरदस्त, और गर्मी अभी खत्म हुई कहाँ है, अभी बारिश का मौसम 2 महीने बाद आएगा कम से कम। एक जामुन मिली है दोस्तों खाने के लिए है, लेकिन वो ऊपर है, वहां तक चढ़ना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अभी तैयार नहीं है, बारिश आने में तकरीबन अभी 2 या 3 महीने का जो है टाइम बाकी है मानसून आने में। और सबसे पहले तो जो है साउथ इंडिया की तरफ आता है, केरला की तरफ, उसके बाद जो है दिल्ली में आता है। अभी तो दिल्ली में गर्मियाँ ही कहर डा रही हैं, दिन में निकलना बड़ा ही मुश्किल है, लॉकडाउन तो खुल चुका है। जो मज़ा खाने का जामुन या कोई भी फ्रूट पेड़ से तोड़ के है ना दोस्तों, वो खरीद के खाने में है ही नहीं, सच बात है ये बिल्कुल। ये नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए ये फ्री में मिलता है, हाँ फ्री में मिलता है ये तो एक बात है ही, लेकिन जो खुद थोड़ी मेहनत करके स्ट्रगल करके जो हमको हासिल करके जो ये तोड़ने के पेड़ पे चढ़ने के बाद जो मज़ा खाने का है ना, वो अलग ही है दोस्तों। ये आप भी जानते होंगे, बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे देखने वाले हैं, वो विलेज से ही हैं, गांव से ही हैं, चाहे वो अभी फ़िलहाल इंडिया से बाहर भी रहते हैं कुछ, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे अगर जो दोस्तों अपने भी कभी कोई फल तोड़ के, ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं खाए होंगे, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कौन कौन सा फल जो है तोड़ के पेड़ से खाया है। ये देखो दोस्तों, ये जो है गाय आ चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे बछड़े हैं इनके, इन बछड़ों को जो है अलग रखा जाता है इन गायों से, शायद ये बाहर अभी घूमने जाते नहीं है, जाते हैं बाहर, ये बाहर जाते हैं बोल बताया अभी इन्होंने।
इनको इसलिए अलग रखा जाता था ताकि ये दूध पीछे से पी ना जाए। ये देखिए दोस्तों, ये जो गाय हैं ये और गाय से बिल्कुल ही अलग है इनकी जो है नस्ल। इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि ये जो गाय है ये है देसी, प्योर देसी। डर भी लगता है इनसे, इनका जो है मिजाज जो है इन गाय का थोड़ा लड़ाकू होता है, अग्रेसिव होता है, और नहीं भी होगा तो वैसे ही इंसान डर जाता है इनको देख के। हैं बिलोंग करती हैं राजस्थान से, और मैं इन गायों को जो है बचपन से देखता आ रहा हूँ। अभी जो है मैं इनसे जो है बात करना चाहता था, लेकिन ये अभी आते ही, अभी इनको चरा के लेने आने के बाद, अभी जो ये लगे हैं इनको जो है दूध निकालने के लिए, तो इनके पास थोड़ा वक्त की अभी इस टाइम पे जो है कमी है। और अभी दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पे भिंडी लगा रखी है। तो दोस्तों ये है थी आज हमारी जो है इवनिंग वॉक, अभी फ्री है, टाइम टू टाइम जो है मैं वीडियो जो है डालता रहूँगा दोस्तों आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे जो है भिंडी लगा रखी है, उधर शायद घिया है, कुछ भिंडियाँ जो है लगी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये है दिल्ली में गांव का जीवन। दिल्ली में सिर्फ ना खाली बिल्डिंगे हैं, ना ट्रैफिक है, खेत भी हैं, एग्रीकल्चर जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और जो है आप देख ही सकते हैं सब कुछ जो है बिल्कुल देहात और गांव के जैसा है। तो जो है अभी छोटी मोटी जानकारी जो है मैंने इनसे इकट्ठा की, तो इन्होंने बताया कि जो है इस दूध का जो है ये अभी ये जो गाय हैं नस्ल तो शायद मैं नहीं जान पाया, और इनका जो है रेट है वो है तकरीबन 60 रुपये किलो, और जो इनका दूध है वो तकरीबन सब गांव वाले यहाँ से जो है ले जाते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई आसपास में डेयरी भी कुछ वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि बढ़िया चीज़ खाने वाले लोग यहाँ पे अभी भी बहुत हैं। इनका कहने का मतलब ये है जो हम गाय को जो है बाट डालते हैं या कुछ और जो है चारा डालते हैं उनमें थोड़ा केमिकल जो है मिक्स होता है, लेकिन ये गाय जो है टोटली डिपेंड होती है जो डेली जो है घास चरने जाती है, और इनका दूध और जो है हम डेयरी जो से जो खरीद से उनसे कहीं ज़्यादा जो है बढ़िया और पौष्टिक होता है। तो जितनी भी गाय हैं, ये गाय होंगी तकरीबन इनके पास 500 के आसपास, तो सारा दूध यहीं पे जो है ये बेच देते हैं। लेकिन दिल्ली में जो थोड़ी धूल जो मिट्टी जो है वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, और बाहर का तो पता नहीं। खैर, और अभी जो है वहाँ पे अभी मैंने देखा है एक खजूर का पेड़ भी है, खजूर भी है, शायद आगे होंगे इस वक्त वहाँ पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। तो मैं घूमने, जैसे कि मैंने बताया मैं घूमने आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी हमारी इस इवनिंग वॉक पे में जो है शामिल कर लिया जाए। तो बताना दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम जो है मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। सी यू, बाय बाय, टाटा।